सुभाषितानी। तीखा मसालेदार खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, है ना? जिस तरह खाने में मीठी चीजें हमें सुख देती हैं, उसी तरह जीवन में हमारे मीठे बोल दूसरों को सुख देते हैं। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल व धम और पंचतंत्र से लिए कुछ सुभाषितानी श्लोक दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुभाषितानी का क्या अर्थ है। सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, सु तथा भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या श्रेष्ठ और भाषित का अर्थ है वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर या श्रेष्ठ वचन। आओ कुछ सुभाषितानी श्लोकों से सीख लें। गुणाहा गुणगियेषु गुणाहा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अन्वयः गुणाः गुणगियेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः भवन्ति, सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परं समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इसका अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों का गुण ये है कि उनमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जब वे किसी गुणहीन व्यक्ति का संग कर लेते हैं तो वे गुणी नहीं रहते, वे गुणहीन व्यक्ति के दोष पाकर दोषी बन जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, किंतु जब वे समुद्र के पानी में मिल जाती हैं तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि मीठा पानी भी समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन तृणम न खादन्नपि जीव मान तद भाग धेयम परमम पशु नाम। अन्वय साहित्य संगीत कला विहीन नर साक्षात पुच्छ विषाण हीन पशु तृणम न खादन अपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम्। इसका अर्थ है साहित्य संगीत तथा कला और कौशल से हीन व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके सिर पर सींग नहीं है, वह घास न खाते हुए भी पशु के समान है। वह भाग्यवान है कि पशुओं के समान होने पर भी वह अच्छा भोजन और पकवान खाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य, कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं राज्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वयः लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः, विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले को विद्या का फल नहीं मिलता, कंजूस को सुख और कर्तव्य का पालन न करने वाले मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अन्वयः असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ है जैसे मधुमक्खी मीठे और कड़वे
दोनों प्रकार के पौधों से रस पीती है, लेकिन वह मीठा शहद यानी मिठास ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत जन सज्जन और दुर्जन की बातों को एक समान ही लेते हैं और मधुर सूक्ति की ही रचना करते हैं। महताम प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति अर्था। अन्वय महताम प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम अपि सा एव यथा संख्यासु लाकृति ही निजम भावम न जहाति। इसका अर्थ यह है कि जो महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव दूसरों से प्रशंसा पाने पर बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में संख्या 9 यानी लरी की आकृति वाला आकार अपना मौलिक रूप नहीं छोड़ता है। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अन्वय स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। यदि परिवार में स्त्री प्रसन्न रहती है तो सारा परिवार प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वह प्रसन्न नहीं होती तो किसी को भी प्रसन्नता नहीं होती। अब जब हम पाठ सुभाषितानी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करें। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रतिविकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम दीयताम। गुणाः गुणगियेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कड़वा तद्भव शब्द कृते श्लोकात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कड़वा तद्भव शब्द श्लोक में किस पद के लिए लिया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। यह सही है, कड़वा तद्भव शब्द कटुकम के लिए लिया गया है। कड़वा इति तद्भव शब्दार्थम कटुकम प्रयुक्तम